अब दिग्विजय सिंह की एक ही वर्ग के लोगों को पत्थरवाद स्वयं ही बता रहे। दिग्विजय सिंह जी, सीसीटीवी फुटेज आ गए हैं, पुलिस है, कानून, संविधान, आप इन सब पर ही सवाल उठाए दे रहे हो। एक वर्ग विशेष पे नजरें इनायत करने के लिए आप ये सब बोलते रहते हैं, ये समझ में आता है। दरअसल दिग्विजय सिंह न किसी के भाई है न किसी की जान है। पड़ोसी मुल्क के आटा महंगा होने से परेशान है। इनकी मनस्थिति पाकिस्तान में जो त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है ना, उससे समझ में आती है और उसी से इनकी पीड़ा समझ में आती है कि ये कितने ज्यादा पीड़ित होकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। सर लगाया गया कि अब इससे अच्छे दिन और क्या आएंगे कि कमलनाथ जी हाथ जोड़े खड़े धर्म पे पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, कहते हैं मैं बड़ा हनुमान भक्त हूँ। आज तक आपने हनुमान जी चालीसा पढ़ के देखा क्या? कमलनाथ जी पढ़े, लेकिन मुझे उस पर आपत्ति नहीं है उनकी धार्मिक आस्था पर। इस बात पे जरूर आपत्ति है कि इनको भगवान सिर्फ चुनाव पर ही क्यों याद आते, चुनाव पर ही क्यों हनुमान भक्त हो जाते, चुनाव पर ही ऐसे विज्ञापन क्यों देती है। 15 महीने में एक हाथ दिया था क्या? कभी 15 महीने में इस तरह की धार्मिक यात्रा की थी क्या? अब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के लिए नए नहीं रहे हैं, पहले तो बाहर के थे, 15 महीने मुख्यमंत्री थे। उनके हर सवाल पर उनको ये जवाब देना होगा कि 15 महीने में ऐसा क्यों नहीं किया था जो अब याद आ रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।